hello and welcome students on my Arvind geography wars youtube channel dear students today we are going to study important uh, topic in the chemistry the first chapter that is the language of chemistry here we will deal about the symbols valency and variable valency three topics we are going to cover today and we will clear up all the concepts of valency variable valency and we will see a bit concept of the symbols okay so we are start going to start now you see first when we talk about the symbols what are symbols symbol is a short form of form that stands for the atom of a specific element or abbreviation used for the name of an element yani kisi uska short form that stands for atom of a specific element यानी किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सपोज करें जैसे अगर हम कार्बन की बात करें ओके okay, तो कार्बन का सिंबल क्या हो गया सी डन तो यही सिंबल है जो इस पूरे ये जो का, एक कैपिटल एटर में सी हो गया ना ये पूरे इस कार्बन एक के एटम को क्या कर रहा है दर्शा रहा है डिपिक्ट कर रहा है या उसके लिए स्टैंड कर रहा है एब्रीब्रेशन यूज फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट यानी किसी भी जो नेम है एलिमेंट ने का उसका ये एक हम बोल सकते हैं एब्रीब्रेशन फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म है क्लियर सो बेसिकली इच एलिमेंट हैज अ सिंबल सारे एलिमेंट्स जो कमेस्ट्री में डिस्कवर्ड हैं उनके कुछ ना कुछ सिंबल्स हैं ओके और ज्यादातर को हम उनके फर्स्ट लेटर से ही डिनोट करते हैं क्लियर लेकिन अब इसके थोड़ा हम हिस्ट्री में चले तो देखें आप 1850 1807 में 1807 इसको आप स्टडी करेंगे 1807 जॉन डॉल्टन स्टडीड फिगरेटिव सिंबल फॉर एटम्स ऑफ द एलिमेंट यानी इन्होंने जो जॉन डाल्टन है इन्होंने एक थ्योरी दिया इन्होंने बोला कि जो भी एटम्स हैं उनको आप सिंबल उनका एक सिंबल इन्होंने दिया लेकिन उसका हर एक सिंबल का हर एक एटम का इन्होंने एक फिगर के फॉर्म में सिंबल दिया जैसे अभी हमने कार्बन को से लिखा तो वो देखें आप उस समय वो क्या लिखते थे ऑक्सीजन के लिए एक इस टाइप का गोला बनाते थे सर्कल बनाते थे हाइड्रोजन के लिए सर्कल होता था लेकिन बीच में एक डॉट होता था सल्फर के लिए भी एक सर्कल होता था लेकिन वो फोर पार्ट्स में डिवाइडेड होता था नाइट्रोजन के लिए एक सर्कल होता था एंड दिस वार डिवाइडेड इंटू टूल पार्ट्स सो दिस वे आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फिगरेटिव सिम्बल्स विच वेर गिवन और सजेस्टेड बाय जॉन डॉल्टन इन 1807. बट लेटर ऑन ऑल हिसाब से देखें तो अमोनिया जिससे ले ला एन एच थ्री हो गया एन एच थ्री डन तो नाइट्रोजन का जो सिंबल हो गया एक आपने इसे ले लिया एन हाइड्रोजन का जो सिंबल हो गया उसमें आपको लगाना होगा वन वन डॉट टू टू डॉट थ्री ओके, सो दिस वाज़ द फिगरेटिव सिंबल ऑफ एन एटम व्हिच वाज़ बेसिकली यूज्ड और सजेस्टेड बाय द जॉन डाल्टन, लेकिन ये काफी मतलब काफी देर के बाद इसको यूज किया गया कुछ दिन फिर इसके बाद इसे छोड़ दिया गया ओके नेक्स्ट इन 1814, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइम एंड नेम इन 1814, फोर्टीन बर्जिलेस सजेस्टेड सिंपल वे सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट्स विद सिंबल्स यानी इन्होंने भी एक अपना एक सजेशन दिया और उन्होंने जो सजेशन दिया उसके हिसाब से उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले उस पॉइंट्स को आपको याद रख लेना है फर्स्ट ही सेड दैट इन मोस्ट केसेस यानी ज्यादातर जो केसेस हैं इसमें जो फर्स्ट लेटर है ध्यान से देखें आप फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट वॉज टेकन एज द सिंबल यानी उसको आप क्या ले लिया आपने जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या ले लिया आपने उसका सिंबल ले लिया एग्जाम्पल के लिए देखते हैं जैसे कार्बन कार्बन के लिए फर्स्ट क्या हो गया सी सल्फर के लिए फर्स्ट वर्ड एस हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट वर्ड एच सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही है, है ज्यादातर केसेस से में सेम है दैट इज फर्स्ट लेटर इज टेकन एज द सिंबल क्लियर उन्होंने फिर अगला बोला हाउ एवर इफ फर्स्ट लेटर वॉज ऑलरेडी अडेप्टेड यानी अगर फर्स्ट लेटर को हमने पहले ही सपोज करिए ले लिया है जैसे अगर कैल्शियम हो गया सपोज करो आप कैल्शियम ओके okay? कैल्शियम हो गया कैल्शियम इसमें फर्स्ट लेटर तो कार्बन के लिए हमने ले लिया था तो उन्हें बोला कि आप इसके साथ ये आप इसको फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखोगे और उसके साथ एक और वर्ड ऐड कर लोगे और जो स्मॉल लेटर में होगा एंड दैट विल बी द सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम फॉर एग्जाम्पल यू सी सो सी एलिमेंट वॉज डिनोटेड बाई द फर्स्ट टू लेटर्स इन कैपिटल फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर इन द स्मॉल सी फॉर एग्जाम्पल देखें आप जैसे कोबाल्ट हो गया कोबाल्ट सी ओ देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल में है सेकेंड लेटर स्मॉल लेटर यहाँ हमने सी चूंकि पहले यूज कर लिया गया था कार्बन के लिए इसलिए इन्होंने सी और उसके साथ एक और आ, फिगर ले लिया इन्होंने अल्फाबेट ले लिया जिस इन्हों इन्होंने क्या दिया इसको नाम सी ओ कैल्शियम के साथ फर्स्ट टू लेटर सी ए क्रोमियम के साथ सी आर ठीक देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ जो क्रोमियम है इसमें एच को नहीं लिया गया इसमें किसको लिया गया सी आर क्लियर नाउ कैडमियम सी डी क्लियर नेक्स्ट सिलिका के लिए इन्होंने लिया कौन सा एस आई लेकिन एक कंफ्यूजन हो सकता था कार्बन मोनोऑक्साइड और कोबाल्ट में बेसिकली कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ लेटर्स आर टेकन इन कैपिटल लेटर याद रखेंगे आप कार्बन मोनॉक्साइड में जो दोनों लेटर्स है वो कैपिटल में होंगे और जो कोवाल्ट है उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकेंड लेटर स्मॉल लेटर में होगा टन सो दिस वॉज दिल सिंपल सजेशन ऑफ बर्जिलस इन 1814. हंड्रेड अब आगे बढ़ते हैं कदम थर्ड पॉइंट सिंबल ऑफ सम मेटल्स वे आर फ्रॉम देर लेटिन नेम्स बोला है कि जो कुछ मेटल्स हैं, उनका जो सिंबल था ना उसको उन्होंने बोला कि ये उनके लेटिन नेम से डिराइव किया गया जो कि पूरी तरह से डिफरेंट हो गया एग्जाम्पल देखें आप फॉर एग्जाम्पल कॉपर कॉपर का जो लेटिन नेम हो गया ना वो होता है क्यूपरम क्या होता है क्यूपरम तो इन्होंने इसका जो टू स्टार्टिंग के जो वर्ड्स थे उनको लिया तो सी यू हमने इसको रिप्रेजेंट किया आयरन आयरन का जो लेटिन वर्ड है फेरम तो इसमें क्या कौन सा वर्ड हो गया एफ ई टू वर्ड्स पोटेशियम इसका जो लेटिन वर्ड है वो कालियम है तो इसमें के ए हो गया लेड का प्लम्बम हो गया तो इसमें पी एल हो गया गोल्ड का लेटिन वर्ड हो गया आपका आवरम तो एयू हो गया सोडियम का हो गया नेट्रियम तो इसमें एन ए हो गया मरकरी का हो गया हाइड्रेरम इसमें एच जी हो गया सिल्वर का हो गया अर्जेंटि ए जी हो गया सो बेसिकलीस वेयर दू द इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच वे टेकन फ्रॉम देयर लेटिन नेम्स यानी लेटिन के नेम के बेसिस पे इसको लिया गया ये खास है इनको प्लीज यू हैव टू दिस ओके क्लियर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें अब आगे कड़ी में चलते हुए हम देखते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल यानी जो सिंबल हो गया जैसे सपोज करो C हो गया यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्बन अब इसका स्... क्या है सिग्निफिकेंस देखें फर्स्ट ये जो C है ना ये बताएगा क्या इट विल टेल द नेम ऑफ द एलिमेंट यानी ये बता दिया कि जो C का मतलब हो गया क्या है ये कार्बन नाउ दिस विल रिप्रेजेंट ओनली वन एटम अब एक C है तो कितने एटम ये रिप्रेजेंट करेगा वन एटम ऑफ द एलिमेंट यानी वन एटम ऑफ कार्बन हो गया ये थर्ड बात करें डिफिनिट एलिमेंट यानी एक रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जाम्पल के लिए नीचे आप हमने ले लिया नाइट्रोजन so, यानी कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन सेकेंड ये एक ही एटम रिप्रेजेंट कर रहा है अगर एन टू होता तो ये दो एटम अगर ओ थ्री होता है तो ये तीन एटम ओके दिस वुड रिप्रेजेंट थ्री एटम्स नाउ वट इज द मास इट इज रिप्रेजेंटिंग इट इज रिप्रेजेंटिंग 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जैसे ये नाइट्रोजन का कितना ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है 14 ग्राम ओके सो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको क्लियर करना था अभी हम आएंगे सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे इम्पोर्टेंट जो पूरे केमिस्ट्री में थ्रू आउट लाइफ आप यूज करने जा रहे हो दैट कॉन्सेप्ट दैट इज वैलेंसी ओके सो अगर हम वैलेंसी की बात कर ले हैं तो थोड़ा बुकिस इस, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं फिर हम आपको अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जो बहुत ही ईजी होगा सी वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर विथ अदर एलिमेंट्स यानी मेजर ऑफ अ कंबाइनिंग पावर यानी कोई भी अगर एलिमेंट है तो वो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है कंबिनेशन में क्या होता है बेसिकली दे एक्सचेंज वन टू और थ्री इलेक्ट्रॉन्स सो so, ये जो वन टू थ्री इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली जो एक्सचेंजिंग हो रही है ना वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है चाहे वो एक ले रहा है या दे रहा है इसी को आप क्या बोलते हैं उसकी वैलेंसी बोलते हैं आगे देखें न वर्ट वाई डू देइन दिस इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाई दे आर कंबाइनिंग वॉट इज द बेसिक कॉज ऑफ द रिएक्शन सी दे डू सो स्टार मार्क लगा लेंगे दे डू सो टू टू ऑक्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी यानी या तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है एलिमेंट या अपना डुप्लेट ताकि वो क्या हो जाए स्टेबल हो जाए इसीलिए बैलेंसी यानी इसीलिए रिएक्शन जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से या आइटम्स हैं एक दूसरे से वो क्या करते हैं कंबाइन करते हैं डन इफ एटम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन अगर कोई जो एटम है ना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अपने वैलेंस सेल से तो आप उसको बोलोगे क्या मोनोवेलेंट हो गया अगर वो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो बोलोगे डाइवेलेंट है और अगर आप वो तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आप क्या बोलोगे ड्राईवेलेंट एग्जाम्पल देखें नीचे है जैसे सोडियम कौन सा हो गया एटम सोडियम सोडियम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका एटमिक नंबर है एट इलेवन तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करोगे तो मिलेगा टू एट एंड वन ओके तो यहाँ पे अब देखो

अगर हमने ड्रॉ किया तो फर्स्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन दूसरे में एट इलेक्ट्रॉन और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए डन अब ये इलेक्ट्रॉन्स का यूज ये जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अगर ये इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे तो लास्ट इससे पहले वाले जो सेल में देखें आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब यही है ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट कि जो लास्ट सेल है ना उसमें अगर आठ इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसको आप बोलोगे स्टेबल है और उस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है डन तो यहां पे सोडियम का जो वैलेंस सेल है उसमें देखो आप एक ही इलेक्ट्रॉन है अब इसको जब ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा देखो यहां पे लूज कर देने के बाद यहां टू और एट यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्टेट इसका क्या हो गया कंप्लीट और यह क्या हो गया स्टेबल अब ये चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ही लूज कर पा रहा है या एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सिंगल एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आप इसको क्या बोलोगे मोनोवेलेंट है वैसे ही अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम को ऑक्टेट गेन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा टू इलेक्ट्रॉन तो आप इसे क्या बोलेंगे डाइवेलेंट एल्यूमिनियम में सेम केस क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर ट्वेल्व है इसका थर्टीन है और इसका कितना है इलेवन है डन तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप खुद से कर लेंगे टू एट थ्री अब यहाँ से ये थ्री इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे इसको आप क्या बोलोगे ट्राईवेलेंट बोलेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना वो लूज करेंगे आप उनको क्या बोलेंगे मोनोवेलेंट डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ताकि आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आए ओके मेटल क्या है नॉन मेटल क्या है जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ईजिली समझ में आएगा सपोज करो ये हो गया सोडियम सोडियम का जो एटमिक नंबर है इलेवन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा टू एट वन वही अगर क्लोरीन की बात करें तो हो गया इसका एटमिक नंबर 17 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2, 8 और 7 क्लियर अब आप देखो यहाँ पे सपोज करो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया सोडियम इसमें फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वन टू ये देखो ये इलेक्ट्रॉन के को हमने ड्रॉ किया एल एम तो जो फर्स्ट सेल होता है इसको के सेल बोलते हो आप जो दूसरा सेल होगा आप इसको क्या बोलोगे एल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जो लास्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें होंगे आपके सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ये ये किसका केस हो गया ये हो गया आपका सोडियम का केस 10। अब अगर वही हम बात कर लें अगर सेकेंड में तो अगर हम यहाँ पे ले लें ले आपका क्लोरीन ओके क्लोरीन का हमने ले लिया वन इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट सेल में टू वन टू डन क्लोरीन की तरफ अगर हम चलें सेकेंड सेल में एल में ये हो गया आपका के एल एम ये हो गया फर्स्ट का के दूसरा होगा एल एल में कितने इलेक्ट्रॉन है एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट डन लास्ट जो सेल है इसका उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप देखें लास्ट सेल में लगभग लगभग यहाँ पे सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन डन ये तो नॉर्मल हो गया सोडियम अपने स्टेट में और क्लोरीन का जो एटम है वो अपने स्टेट में बट ये रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से क्यों क्योंकि इनको अपना ऑक्टेट गेन करना है ऑक्टेट गेन करने के लिए अब यहां पे क्या होगा देखो आप ये जो सोडियम है ना अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे फॉर सपोज करो इसमें है देव अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो आप देखा सेवन प्लस वन कितना हो गया एट यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा क्लियर अब आप ये वाला जो सोडियम का जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन था ना वो अब क्या करेगा आप ये इसको दे देगा डन दे देने के बाद अब दो आप इसमें क्या बनाओगे एक सोडियम का फर्स्ट सेल में सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन्स और जो दूसरा सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट क्लियर लेकिन क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में अगर आप देख लो तो क्लोरीन में अगर हम बात करें क्लोरीन हो गया सपोज करो तो फर्स्ट में टू इलेक्ट्रॉन्स वन टू सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एट इलेक्ट्रॉन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और जो लास्ट सेल है ना उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एट इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसने सेवन थे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया है इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए एट तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो आप देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया आपने डायग्राम में क्या देखा बेसिकली आपने देखा है कि बेसिकली हैव सीन दैट ऑक्टेट ऑक्टेट ऑफ सोडियम इज इज आल्सो कंप्लीट कंप्लीट देखो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है एट और क्लोरीन में भी जो ऑक्टेट है ना वो भी कंप्लीट हो गया <coughs> तो दोनों का यहां कॉन्सेप्ट क्या है कंप्लीट हो गया अब देखो जो इलेक्ट्रॉन देता है जैसे यहां इसने इलेक्ट्रॉन दिया वो मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या हो गया नॉन मेटल क्लियर समझ में मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं अब देखें दूसरी एक और बात देख लो जिसके वैलेंस यानी जिसके वैलेंस सेल में वैलेंस सेल का मतलब हो गया ये लास्ट सेल ओके वैलेंस सेल क्लियर जिसके वैलेंस सेल में वन टू थ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेटल्स की तरफ बिहेव करेंगे और जिनके वैलेंस सेल में फाइव सिक्स सेवन इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉन मेटल्स की तरफ बिहेव करेंगे हम थोड़ा अभी डायग्राम में देख लेते हैं चलो देख लो ये पीरियडिक टेबल हो गया आपका ठीक है पीरियडिक टेबल की सहायता से हम आपको इजिली समझा सकते हैं ध्यान से सुनो आप देखो इसमें देखिए ये फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप ये हो गया आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और ये एट क्लियर अब देखो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी वन इसकी वैलेंसी होगी कितनी टू यहां होगी वैलेंसी थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एट ट्रिक भी बना सकते हो वन हटा दो इधर से बन जाएगा सब ठीक है तो यहां पे देखो ये जो फोर है ना फोर क्लियर यानी ये जिसके वैलेंस सेल में फोर इलेक्ट्रॉन है ठीक है ये मेटेलॉइड की तरह बिहेव करते हैं किसकी तरह मेटेलॉइड की तरह क्लियर सारे नहीं लेकिन उसमें से ज्यादातर आगे देखें अगर वही हम कंसीडर कर लें जिसके वैलेंस सेल में या जिसकी वैलेंसी वन टू थ्री है वन टू का मतलब हाइड्रोजन वाला ग्रुप बेरिलियम वाला और बोरॉन वाला अगर ग्रुप है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ले ले देखो ये लास्ट वाला जो सेल होता है ना ये ध्यान से देखें आप इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है तो इसको आप क्या बोलते हैं इनर्ट या नोबल गैसेस बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं नोबल गैसेस ये रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है क्वेश्चन पूछ सकता है ये रिएक्शन क्यों नहीं करेंगे क्योंकि आप बोलोगे इनका ऑक्टेट कंप्लीट है बच गया मैटर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इलेक्ट्रॉन देंगे और जो थ्री है वो किसको दे सकता है फाइव को और आप इनको क्या बोलते हो जो देते हैं उनको क्या बोलते हो आप मेटल्स और जो लेते हैं आप उनको क्या बोलते हो डन अब एक कॉन्सेप्ट में भूल गया था थोड़ा में बताने में नंबर ऑफ जो आउटर मोस्ट से है, है, इलेक्ट्रॉन जैसे तो इसकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं जैसे देखो यहां ट्रिक क्या है अगर फोर से पहले है, चार से पहले ना वैलेंसी वन का वैलेंसी वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वन है ना तो उसकी वैलेंसी वन टू थ्री फोर तक लेकिन फोर के बाद आपको इसमें से किसमें से घटाना होता है एट में से एट माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री एट माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू एट माइनस सेवन इज इक्वल टू वन ये इसकी वैलेंसी निकालने के लिए कब जब वैलेंस सेल में चार से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो आपको वैलेंसी एट में से सप्रैक्ट करके निकालनी होती है और अगर चार से इलेक्ट्रॉन से अगर कम है तो वो वैलेंसी खुद हो गई क्लियर तो ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है वैलेंसी में जो वन टू थ्री वाले हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं फाइव सिक्स सेवन वालों को ताकि उनका भी ऑप्टेट कंप्लीट हो जाए और इनका भी और ये मेटल्स ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या लेन देन इसलिए करते हैं ताकि उनकी रिएक्टिविटी क्या? क्या हो ताकि वो स्टेबल हो जाए क्या हो जाए स्टेबल हो जाए या तो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करके तो जो अभी हमने पढ़ा उनमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो यहां देख लेते हैं वैलेंसी है क्या है ये वैलेंसी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच नंबर ऑफ अदर एटम विध विच एन एटम ऑफ एलिमेंट कैन कंबाइन दूसरे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे अगर वहाँ लास्ट सेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन उसको देगा और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट सेकेंड पॉइंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम कैन लूज और सेयर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड वैलेंसी यानी यहां पे हमने देखा था क्या इसमें देखो आप इसमें फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा लेकिन अगर इसमें इसका नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स है तो अब ये पांच इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करना होगा तो उसके बजाय ये क्या करेगा तीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये सिक्स है इसको छह इलेक्ट्रॉन लूज करना कठिन है और दो इलेक्ट्रॉन ले लेना आसान है तो इसका यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है तीन तो इसके वैलेंसी तीन हो गई यहां कितने हैं तो वैलेंसी टू हो गई अब इसके लास्ट सेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप बताओ ये क्या इलेक्ट्रॉन देना इसको आसान होगा या एक इलेक्ट्रॉन लेना एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई वन क्लियर आगे देखें नाउ वॉट आर आय आय आयन इज अ पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम विच फॉर्म बाय द गेन और द लूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप देखो अगर हम इस इस डायग्राम में आए तो यहां हमने क्या देखा था तो जब यहां से सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया ये इलेक्ट्रॉन देगा ना तो इस पर एन ए, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो देगा तो प्लस चार्ज होता है ओके और अगर लेगा, लेगा तो माइनस चार्ज कौन सा चार्ज माइनस एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक प्लस चार्ज दो इलेक्ट्रॉन दिया है तो दो प्लस चार्ज ठीक है अगर थ्री इलेक्ट्रॉन दिया है तो थ्री प्लस चार्ज जैसे यहां पे देख लें आप देखो यहां सोडियम ने बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन दिया था एक इलेक्ट्रॉन दिया था ना एक इलेक्ट्रॉन तो इस पर कितना चार्ज आया था प्लस वन मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन दिया था इस इसमें कितना चार्ज आया प्लस टू एल्यूमिनियम ने तीन इलेक्ट्रॉन दिया था तो कितना चार्ज आ गया प्लस थ्री देगा तो प्लस लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो सिंगल पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन तो टू पॉजिटिव थ्री इलेक्ट्रॉन तो थ्री पॉजिटिव क्लियर ऐसा ही अगर लेगा जैसे मान लो क्लोरीन ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन तो सिंगल माइनस अगर कोई एटम दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो टू माइनस थ्री इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो थ्री माइनस डन आई होप आपको ये मैं समझा पा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है नाउ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो वैलेंस लास्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है ना जैसे हमने क्या देखा था सोडियम में सोडियम के केस में टू एट लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था एक इलेक्ट्रॉन था तो वो उसका क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शब्द का मतलब इलेक्ट्रॉन ओनली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन वही रिएक्शन होगा तो भाग लेंगे क्लियर नेक्स्ट पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड केटाइंस यानी अगर सोडियम हो गया ना इस पर अगर प्लस चार्ज आ गया तो आप इसे क्या बोलोगे केट और क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ गया तो क्या बोलोगे आप इसको एनायंस डन एलिमेंट विथ वन टू और थ्री इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट बेसिकली आर मेटल्स बिकॉज एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होगा तो आप इसे क्या बोलोगे ये क्या है मेटल है क्योंकि मेटल क्या करते हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन ओके जो दे देते हैं और वहीं जिनके लास्ट सेल में फाइव सिक्स सेवन इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको क्या बोलोगे नॉन मेटल क्योंकि ये क्या करते हैं गेन ले लेते हैं या गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट अगला वैलेंसी ऑफ ऑल मेटल्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन इज पॉजिटिव बिकॉज दे लूज द इलेक्ट्रॉन ओके और नॉन मेटल्स का क्या है नेगेटिव बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन टेन अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप समझ लें यहाँ पे वो जो हमने बताया था इससे पहले बिकॉज इट वॉज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसे वहाँ पे बना था आयनिक बॉन्ड अब यहाँ देखो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है इसे हम कैसे दिखाते हैं कार्बन एटॉमिक नंबर हो गया छे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होगा टू और फोर यानी ये कार्बन हो गया हम तो लास्ट सेल इसका ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स वन टू थ्री फोर ओके हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है एक पूरा इसका एटॉमिक नंबर ही एक है इसलिए हम इसका हाइड्रोजन को अलग तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं आप देखो जैसे हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन में इसका इलेक्ट्रॉन तो एक ही है तो वन हाइड्रोजन यहाँ पे हमने ले लिया दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ले लिया थर्ड हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ले लिया और फोर्थ हाइड्रोजन हमने यहां पे ले लिया डन। अब आपको करना क्या है आप इसको दिखाना है कि कैसे ये इसकी स्टेबिलिटी हो रही है ओके okay? अब ये बॉन्डिंग कैसी हो रही है तो इसके इसमें देखो अगर आप सपोज करो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया ऑक्सीजन को सॉरी हाइड्रोजन को तो चार हाइड्रोजन है चार कार्बन के अंदर एटम्स है सेल्स में तो पूरा इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं तो ये इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अब इसलिए यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन के पास भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये भी दे नहीं सकता है इसको तो इसका डुप्लेट कंप्लीट करना है तो यहाँ पर दोनों समझदारी से बोलते हैं चलो भैया ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा भी है और ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी है इसलिए हम लोग अलग अलग टाइप का बॉन्ड बना लेते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इनका शेयरिंग कर लेते हैं क्या कर लेते हैं ये शेयरिंग कर लेते हैं और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है आप उसको बोलते हो कोवेलेंट बॉन्ड ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आई होप ये आपको समझ में इससे पहले हमने सोडियम और क्लोराइड में देखा था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया था पूरा सोडियम से इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया था तो वो क्या हुआ ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कार्बन बेसिकली फोर थी उसकी बात कर रहे हैं ये नॉन मेटल है कार्बन जर्मेनियम और सिलिकन क्या है मेटलॉइड्स हैं और बाकी इनको छोड़ दें तो क्या है सारे मेटल्स ना वेरिएबल बैलेंसी कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि जो जैसे हमने देखा कि वो जो एटम्स हैं बेसिकली वो एक लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन जब वो ट्रांसफर करते हैं ना तो उनकी बैलेंसी फिक्स होती है प्लस वन जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो आप बोलोगे इसकी बैलेंसी कितनी है प्लस वन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो बोलेंगे माइनस वन ठीक है लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं मतलब एक से ज्यादा जैसे आयरन हो गया जरूरत पड़ने पे प्लस टू प्लस थ्री दो इलेक्ट्रॉन्स को दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स की भी शेयरिंग कर लेता है तो इस केस को आप बोलते हो वेरिएबल वैलेंसी ओके सर्टेन एलिमेंट्स सो मोर देन वन वैलेंसी दैट इज वेरिएबल वैलेंसी अब यहां से क्वेश्चन पूछता है ना कि बताइए बाकी एलिमेंट्स क्यों वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं आप उसका रीजन बताएं उसका रीजन क्या है देखो बिकॉज समटाइम द एलिमेंट लूज मोर इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन दैलेंस सेल यानी जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना जैसे सपोज करो सोडियम हमने बनाया एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं सपोज करो ये लास्ट गया इसमें एक है इससे पहले वाले में एट है मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं ठीक है ना इसको सही नहीं लेना तो सपोज करो अब यहां से ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे रहा है अब इसके देने से ना वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का जो भरपाई है वो पूरा नहीं हुआ तो वो अब क्या करेगा ना सेकेंड लास्ट से भी इलेक्ट्रॉन देने लगता है जिसको आप क्या बोलते हो पेनल्टीमेट सेल मतलब सेकेंड लास्ट को क्या बोलते हो आप सेकेंड लास्ट सेल को क्या बोलोगे आप पेनल्टीमेट सेल यानी लास्ट सेल से तो इलेक्ट्रॉन ये देते ही हैं लेकिन जरूरत पड़ने पे सेकेंड लास्ट सेल से भी ये इलेक्ट्रॉन्स को देने लगते हैं ट्रांसफर करने लगते हैं इसीलिए इनके पास दो वैलेंसी हो जाती है क्योंकि एक तो लास्ट से कर ही रहे हो जरूरत पड़ने पर सेकेंड लास्ट सेल से भी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने लगते हैं इसलिए इनके पास वेरिएबल वैलेंसी होती है आप देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पेनल्टीमेट सेल्स टू यानी जो सेकेंड लास्ट है उससे भी इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं एंड दिस इज द मेन रीजन वाई दे एक्सेप्ट वेरिएबल बैलेंसी क्वेश्चन होगा कि वेरिएबल बैलेंसी क्यों से हो करते हैं एलिमेंट तो आप बोलोगे की कभी कभी क्या होता है कि वो एलिमेंट्स अपने जो पेनल्टीमेट सेल्स हैं ना उनसे इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और इसलिए वो वेरिएबल बैलेंसिस करते हैं डन अब देखो जैसे मान लो जैसे आयरन हो गया प्लस टू अगर दो इलेक्ट्रॉन दिया प्लस थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन दिया अगर जो लोअर लोअर वाला होगा ना यानी प्लस टू तो इसको उसमें आप क्या यूज करोगे सफिक्स अस फेरस क्या बोलेंगे इसको फेरस और अगर तीन इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो क्या बोलेंगे फेरिक डन देख लेते हैं यहां पे टेबल ही दिया हुआ है पूरा थोड़ा देख लो अच्छा वेरिएबल वैलेंसी का ये चार्ट है प्लीज आप इसको याद रख लेंगे तो पूरा कंफ्यूजन ही आपका खत्म हो जाएगा जैसे प्लस वन स्टेट में कौन कौन सा है कॉपर मरकरी सिल्वर एंड गोल्ड ठीक है ना ये प्लस वन ये इनकी वेरिएबल वैलेंसी है यानी प्लस फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकते हैं जो कॉपर की अगर हम बात करें देखो प्लस टू में भी है अब इसमें देखो प्लस वन प्लस टू दोनों कॉपर हो गया प्लस वन प्लस टू मरकरी हो गया प्लस वन प्लस टू वेरिएबल वैलेंसी सिल्वर यानी एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकते हैं सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन से सेल से दो इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकते हैं सिल्वर की सॉरी गोल्ड की देखें आप प्लस वन और प्लस थ्री हो गई क्लियर अब जो आयरन है ये प्लस टू एंड प्लस थ्री लेड प्लस टू एंड प्लस फोर टिन प्लस टू प्लस फोर मैंगनीज एंड प्लेटिनम तो प्लीज ये वेरिएबल वैलेंसी का चार्ट है आप इसको याद कर लोगे ना तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप याद कर लेंगे तो पता चल जाएगा प्लस टू प्लस थ्री कौन कौन से फॉर्म है अब इसमें हमने इससे पहले बेसिकली वी हैव सीन कि अगर ये वैलेंसी यहाँ पे जो टू सो टू का है मतलब कि अगर आयरन का जो वैलेंसी है यहाँ टू है तो इसमें दो है और ये तीन देखो आप दो है थ्री वाला बड़ा है टू वाला छोटा है हमने पहले देखा था जो, छोटी जो वैलेंसी होगी ना उसको अस बोलेंगे क्या बोलेंगे फेरस और वही अगर बड़ी वैलेंसी होगी तो क्या बोलेंगे फेरिक सबके साथ सेम है कॉपर प्लस वन प्लस टू वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है अगर प्लस वन में होगा तो क्यूप्रस प्लस टू में होगा तो ज्यादा होगा तो इक छोटा वाला होगा तो अस तो आप यहां से स्टेबल से याद कर लोगे ठीक है ना कि लोग प्लस वन वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है और प्लस टू यानी कौन सी वार, कितनी वैलेंसीज को शो करता है कॉपर प्लस वन प्लस टू प्लस वन वाले को अस बोलेंगे प्लस टू वाले को इक बोलेंगे ठीक है ना मर्की देखो मर्कुरस प्लस वन मर को प्लस टू लेड में प्लम्बस प्लस टू और प्लम्बिक प्लस फोर तो ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा इसको याद कर लोगे तो जो छोटा वाला होगा उसको अस पढ़ोगे आप जो बड़ा वाला होगा उसको क्या पढ़ेंगे इक पढ़ेंगे स्टैनस जो टिन है वो हो गया आपका प्लस टू में स्टैनस प्लस फोर में क्या बोलेंगे इसको स्टेनिक तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं और ये ईजी हो गया आपके लिए आई होप जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा आपको ईजिली समझ में आओगे प्लीज एक दो बार आप इसको और देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा अगर थोड़ा आपको टफ लग रहा है तो प्लीज इफ़ यू अवर देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बाकी जो इससे रिलेटेड जो कम्पाउंड और जो भी टॉपिक्स हैं ये वीडियो काफी लेंदी ना हो जाए इसलिए हमने सोचा था कि थोड़ा इसको मैं पहले ही आपको ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा ओके सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टूअल फ्रेंड्स और बाकी सब्जेक्ट्स जैसे बायो क्लास टेंथ नाइन्थ क्लास टेंथ का तो ऑलरेडी हमने बना के अपलोड कर दिया है क्लास नाइन्थ का भी हमने फिजिक्स और बायो धीरे धीरे मैं सारा अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ ओके थैंक यू सो प्लीज़ बी पेशेंट And share this channel to your friends also. Thank you. Have a great day. Jain.